इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री पवन जैन, अनीता जैन, मारुति टेक्नो रबर प्रीत विहार, श्री वीरेंद्र जी, पायल जी सोनी, आर्या ट्रेडर्स प्रीत विहार। जय जिनेन्द्र दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आदिनाथ टीवी चैनल के कार्यक्रम मुख्य पात्र सम्मान समारोह में। दर्शकों, हरियाणा के गन्नौर स्थित गुप्ती धाम तीर्थ क्षेत्र में संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य उपाध्याय श्री 108 गुप्ती सागर जी मुनिराज ससंघ के सानिध्य में 15 जनवरी 2023 को श्री मज्जिनेन्द्र भगवान आदिनाथ पंच कल्याण प्रतिष्ठा एवं मस्तका अभिषेक महोत्सव हेतु चयनित मुख्य पात्रों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें समस्त पात्रों को गुरुदेव का मंगल आशीर्वाद प्राप्त हुआ। ये कार्यक्रम ब्रह्मचारिणी रंजना शास्त्री जी के निर्देशन में आयोजित हुआ। गुप्ती धाम की पावन धरा पर आगामी 20 से 29 जनवरी 2023 तक ऐतिहासिक पंच कल्याणक महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। तो आइए देखते हैं पात्र सम्मान समारोह की पावन झलकियां। हरियाणा के गन्नौर स्थित गुप्ती धाम तीर्थ क्षेत्र में आगामी 20 से 29 जनवरी 2023 तक श्री मज्जिनेन्द्र भगवान आदिनाथ पंच कल्याणक प्रतिष्ठा एवं मस्तकाभिषेक महामहोत्सव का भव्य आयोजन किया जाएगा। ये महोत्सव संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य उपाध्याय श्री 108 गुप्ती सागर जी मुनिराज ससंघ के सानिध्य एवं ब्रह्मचारिणी रंजना शास्त्री जी के निर्देशन में आयोजित होगा। पंच कल्याणक महोत्सव हेतु चयनित समस्त मुख्य पात्रों का 15 जनवरी 2023 को सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें समस्त पात्रों का गुरु सानिध्य में सम्मान किया गया। साथ ही उपस्थित महानुभावों को पूज्य गुरुदेव का मंगल आशीर्वाद भी प्राप्त हुआ और साथ ही उपस्थित भक्तों ने पूज्य उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज के श्री चरणों में श्री फल चढ़ाकर आशीर्वाद प्राप्त किया। तदुपरांत उपस्थित भक्तों ने चित्रानावरण कर दीप प्रज्वलन किया, साथ ही भक्तों ने पूज्यवर से मंगल आशीष प्राप्त किया। तदुपरांत महोत्सव समिति द्वारा समस्त पात्रों का क्रमानुसार स्वागत सत्कार किया गया। अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं हमारे इस पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के महायज्ञ नायक श्रीमान प्रकाश चंद जी जैन, श्रीमती कल्पना जी जैन, जैन स्टील इंदौर परिवार का जोरदार गुप्ती धाम तीर्थ क्षेत्र अभिनंदन स्वागत करता है। ऐसा तीर्थ क्षेत्र जो उत्तर भारत, जी हाँ, उत्तर भारत में जैन धर्म ही नहीं अपितु बल्कि अन्य मतावलंबियों के लिए भी एक आस्था और श्रद्धा का केंद्र बनकर उभरा है। ऐसे इस महातीर्थ के अंदर श्री ऋषभदेव भगवान पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव और उसके माता पिता बनने का सौभाग्य, जी हाँ, जोरदार करतल धमनियों से ऐसे परम गुरु भक्त उत्तर प्रदेश की नोएडा नगरी से, जी हाँ, श्रीमान अमित चंद जी जैन, श्रीमती सीमा जी जैन नोएडा को ये सौभाग्य यहाँ पर मिला है। जोरदार करतल धमनियां अनुमोदना कीजिए इनके पुण्य की, जो पुण्य इनके खाते में आज यहाँ पर बरसा है गुरुदेव की असीम कृपा से। इस अवसर पर क्रमानुसार पात्रों ने सर्वप्रथम गुरुदेव आशीर्वाद प्राप्त किया। गुरु श्री मुकेश जी जैन, हाँ जी, एक ऐसा नाम जो सदैव गुप्ती धाम परिसर के अंदर अक्सर यहाँ पर गुरुचरणों में देखा जाता है। ऐसे परम गुरु भक्त माननीय श्री मुकेश जी जैन, श्रीमती राजुल जी जैन सोनीपत का सौभाग्य मिला है। एक बार जोरदार करतो धनिया मुकेश भैया जी के लिए। गुप्ती धाम तीर्थ क्षेत्र के पर पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न होने जा रहा है। ऐसे ही सौधर्मेंद्र आए, तो
गुरुदेव के सानिध्य में सम्मानित हो रहे समस्त महोत्सव के पात्रों में उत्साह और उमंग दिखाई दे रहा था। नगरी की रचना अपार देखो, महलों की रचना बाहर देखो, कैसे देखो नगर सजाया, नगरी के तोरे निखारे देखो, ओ देखो देखो अयोध्या देखो, ओ देखो देखो अयोध्या देखो, नगरी की रचना अपार देखो, हमारे यहाँ भी डॉक्टर नीलम जैन को आप सभी जानते हैं, हमारी दीदी के साथ ये 30 साल से 25 साल से जुड़ी हुई थी, 25 साल तो हो गए होंगे और 28 साल हो गए इनको। मैंने कल अचानक सूचना करी कि दीदी बड़ी दीदी नहीं है तो कम से कम आप तो पधार जाओ, तो इन्होंने 20 तारीख को टिकट थी इनकी, इनके पतिदेव वगैरह बेटियाँ सब आएंगी, लेकिन इन्होंने महाराज श्री की और हमारी भावना को देखते हुए तुरंत इन्होंने कल सवेरे, मैंने कहा रात की टिकट बनवाई इन्होंने और पूना से सुबह 4 बजे चल करके ये 10 बजे गुप्ती धाम आ गई है। मैं डॉक्टर नीलम के लिए भी अनुमोदना करती हूँ कि वो ये पंच कल्याणक प्रतिष्ठा एक अद्भुत पंच कल्याणक प्रतिष्ठा है कि गुरुदेव ने हमेशा जो चिंतन किया वो ऐतिहासिक किया है। भद्रबाहु गुफा
हम बाहुबली में देखते हैं, श्रवण बेलगोला में देखते हैं, लेकिन अब आप गुप्ती धाम में देखेंगे, उत्तर भारत में देखेंगे। अजितनाथ मंदिर, घंटाकर्ण मंदिर, गंधकुटी मंदिर पहली बार आप यहां देखेंगे। तो ये सारी नई संरचनाएं हो रही हैं, इसलिए हमें नया विश्वास, नया समर्पण, नई भावना, नई आराधना और नई तपस्या करनी होगी। मंदिर बनने आसान होते हैं, लेकिन जब तक उनके अंदर तेज ना भरा जाए, उनके अंदर साधना का रस ना दिया जाए, उनके अंदर गुरुदेव की शक्ति और साधना के बीज ना बिखेर दिए जाएं, श्रावकों का तन मन धन समर्पण ना हो जाए, तब तक मंदिर बने रहते हैं, उनका अतिशय प्रकट नहीं होता, उनके प्रति आराधना और भावना के भाव नहीं प्रकट होते। दो शब्द पवन गोधा भाई। जय बोलिए पंच बाल्यती तीर्थंकरों की, जय बोलिए आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की, जय बोलिए उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज की। आज हम सबका सौभाग्य जो पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव, जो शायद गुप्ती धाम के लिए नहीं, शायद गुरुदेव को भी उससे कोई मतलब नहीं, ये तो आपका और हमारा पुण्य का कारण है। जो पुण्य हमें मिल रहा है, हम सबको मिल रहा है, हम सभी को आने वाली 20 तारीख से 29 तक ये सौभाग्य मिला है। और 2012 में यहाँ के पंचकल्याणक हुए थे, जो जिसमें महाराज श्री ने मेरे को एक पद दिया था जो सोद्राम इंद्र का था। ऐसे भव्य पंचकल्याणक हुआ था, ऐसा भव्य कि मैंने आज तक देखा नहीं है। लोगों ने, हो सकता कहीं पर हुआ हो, लेकिन जो गुप्ती धाम का पंचकल्याणक था, ऐसा पंचकल्याणक पूरी इंडिया में, क्या पूरे विश्व में नाम था कि जी पंचकल्याणक हुआ है। महाराज जी ने जहाँ पर भी जिस भी कदम, जिस भी चीज़ के लिए कदम बढ़ाया, हमें सानिध्य दिया या हमें आशीर्वाद दिया कि ये काम करना है, उस काम को पूरे संसार के लेवल पर श्रेष्ठता मिली, सभी को ये लगा कि भी हाँ कुछ है। जो महाराज जी ने ये मंदिर बनाया है गुप्ती धाम, हम जहाँ भी फोटो दिखाते हैं लोग कहते हैं वाह क्या ये आपके महाराज जी ने बनाया। मैं कह जी हाँ, महाराज जी की प्रेरणा से, महाराज जी के इतनी मेहनत से, जिन्होंने 20 साल से मेहनत की ये मंदिर बनाया, और हम सब इसका लाभ ले रहे हैं, यहाँ पे पुण्य लाभ ले रहे हैं, दर्शन करने आते हैं। आपको मालूम हो जब जी ने यहाँ पर पंचकल्याणक से पहले 2012 से पहले जब महाराज जी यहाँ विराजमान हुए और यहाँ प्रवेश किया, तो सब ने कहा मेरे से कि भैया इसकी डेट सरकवा दो, महाराज जी बहुत कष्ट तकलीफ होगी, ये जल्दी हो नहीं पाएगा पंचकल्याणक। महाराज जी ने कहा डेट नहीं सरकेगी, काम हो जाएगा, आपको यकीन नहीं आएगा, दिन रात, दिन रात 200 फुट बाई 200 फुट का मंच 12 दिन में तैयार हुआ और पंचकल्याणक हुआ, ऐसा भव्य पंचकल्याणक हुआ, ऐसा टेंट लगा जो लोग देखते रह गए। महाराज जी सारे जितने भी दिल्ली के और लोग जो इंदौर, सब लोगों को इकट्ठा करके जो सबको सम्मान के रूप में इंद्र बनाया उस समय 2012 में, बहुत प्रतिष्ठा का विषय था। इस पंचकल्याणक में भाग लेने जा रहे हैं उनको सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ कि भाइयों ये बड़े पुण्य का काम है जो सबको नहीं मिलता। मेरे जीवन में सौधर्म इंद्र बनने का अवसर दीदी की कृपा से, महाराज जी के आशीर्वाद से 2022 में मुझे प्राप्त हुआ, जो कि मैं तो सोचता ही नहीं था कि कभी मैं इंद्र बनूंगा, सौधर्म इंद्र बनने का सौभाग्य मिलेगा। मैं कानपुर गया हुआ था, पवन गोदा जी का फोन आया, घोषणा हो गई सोनी जी, मैंने कहा कि घोषणा हो गई, तो बोले मुझे तो पता ही नहीं था कि कोई पंचकल्याणक भी होने जा रहा है, किसी को भी नहीं पता था। ये तो एक हफ्ते में बड़ी दीदी की मतलब ये इच्छा थी और गुरुजी ने मतलब उस चीज़ को पूरा करने के लिए जो भी एक हफ्ते में प्लानिंग रही हो मुझे नहीं पता। लेकिन मैं जितने भी भाई यहाँ पर इंद्र बन रहे हैं, स्पेशली सौधर्म इंद्र, कुबेर इंद्र, जितने भी इंद्र हैं, सब लोग अपना भैया तन मन धन से और पूरी भक्ति के साथ इसका आनंद लो। ये आनंद जीवन में दोबारा मिलेगा नहीं मिलेगा किसी को नहीं मालूम, क्योंकि मेरे भाग में भी शायद उस समय था। मैं महाराज जी से 2000 ये पंचकल्याणक जो 2011 का हुआ 10-11 में, उसमें ही जुड़ा था और शुरू में जुड़ा ही था, मैं महाराज जी का नया नया चेला में उस समय बना था, तो डरता भी था और ये भी था कि भाई पहले कैसे आगे चलो, धीरे धीरे चलता रहा। पंचकल्याणक में महाराज जी ने कहा भी था कि इंद्र बनो कुछ बनो, लेकिन भाग्य में नहीं था। अप डाउन रोज किया दिल्ली से, लेकिन किस्मत में होता है उसी को मिलता है, सबको नहीं मिलता, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लो। मैं सभी भाइयों से यही कहना चाहूँगा, इस पंचकल्याणक में बहुत खुश होकर भाग ले, और यह पंचकल्याणक 20 से 26 जनवरी तक जो होने जा रहा है,
ये बड़ी सुंदरता और भव्यता के साथ हो, यही मेरी भावना है। जय जिनेंद्र। तो मैं ये बतला दूं कि मैं प्राचीन सौध इंद्र कैसे बना। ये 95 की बात है कि हम सब सोनीपत से, छोटा सा मंदिर था, तो मंदिर का पंचकल्याणक होने जा रहा था, तो हम ये ढूंढ रहे थे कि किस मुनि महाराज से हम पंचकल्याणक कराएं। मॉल टाउन में महाराज श्री विराजमान थे, पता लगा कि विद्यासागर जी के शिष्य हैं, तो उम्मीद तो थी नहीं कि महाराज जी ये शायद मान लें कि सोनीपत जैसी जगह में पंचकल्याणक कराने के लिए। हम सब जाके वहाँ कमरे में बैठ गए, कोई कुछ भी नहीं बोल रहा था। महाराज श्री ने कहा कि शोक सभा में आए हो क्या तुम? तो हमने कहा महाराज जी हमारी हिम्मत नहीं हो रही, सोनीपत में हम पंचकल्याणक कराना चाहते हैं। बोले तो इसमें क्या बात है, अच्छी बात है। तो मैंने कहा आपसे निवेदन है, लगरा दूंगा मैं। तो देखिए वो हमारा भाग्य का उदय था। देखिए कोई भी कार्य बिना पुण्य के नहीं हो सकता। पात्र सम्मान समारोह के दौरान ही उपस्थित महानुभावों को ब्रह्मचारी रंजना शास्त्री जी का उद्बोधन श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। संसार में आप कितने ही किसी लोगों की, कितने ही जीवों की आप सहयोग करें, परोपकार करें, सब कुछ करें, लेकिन जो बड़े बड़े धर्म अनुष्ठानों में बैठते हैं, उसमें अपना तन मन धन लगाते हैं, इससे बड़ा संसार में और कोई दूसरा पुण्य होता नहीं है। बंधुओं, जब ध्वजा उड़ती है और उड़ते उड़ते अगर उलझ जाती है, तो उस उलझने के लिए पवन की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार आत्मा की गंदगी को दूर करने के लिए बड़े बड़े धर्म अनुष्ठानों की जरूरत हुआ करती है। जीवन भर हम पुण्य और पाप के झूलों में झूलते चले जा रहे हैं। पुण्य करते हैं 5% और पाप करते हैं हम 95%। और इन्हीं पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सवों के माध्यम से हम अपने कर्मों का निष्कासन ही करते हैं। बंधुओं, वो अवसर बहुत दिनों से गुरुदेव के मन में चिंतन चल रहा था कि मैं इस गुप्ती धाम को, जो बचा कुचा कार्य है, उसे पूर्ण करूं, क्योंकि हमारे बीच में हमारी बड़ी आदरणीय दीदी नहीं रही, तो उसका सारा कार्यभार हमारे गुरुदेव ने अपने ऊपर ले रखा है। आप सभी चारों ओर देख रहे हैं कितना इस क्षेत्र का विकास गति की ओर है। इस प्रकार से गुप्ती धाम की पावन धरा पर आयोजित होने वाले अनूठे महोत्सव का हिस्सा बनने वाले समस्त पात्र आनंदित नजर आए। दर्शकों, गुप्ती धाम तीर्थ क्षेत्र में उपाध्याय श्री 108 गुप्ती सागर जी मुनिराज ससंग के सानिध्य में संपन्न हुए मुख्य पात्रों के सम्मान समारोह में समस्त पात्रों और भक्तों का उत्साह देखते ही बना। ये कार्यक्रम श्रीमद् जिनेंद्र भगवान आदिनाथ पंचकल्याणक प्रतिष्ठा एवं मस्तका अभिषेक महोत्सव हेतु चयनित पात्रों के सम्मान में आयोजित किया गया था। कल हम आपको इसी कार्यक्रम में पूज्य गुरुदेव गुप्ती सागर जी महाराज द्वारा दिए मार्मिक प्रवचन श्रवण कराएंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इस कार्यक्रम में इजाजत और आप देखते रहिए आदिनाथ टीवी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री पवन जैन, अनीता जैन, मारुति टेक्नो रबर प्रीत विहार, श्री वीरेंद्र जी, पायल जी सोनी, आर्या ट्रेडर्स प्रीत विहार।